आजकल बहुत से पुरुष व महिलाएं बालों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उनके बाल झड़ते रहते हैं तो कुछ टूटते रहते हैं और बहुतों के बाल सफेद हो जाते हैं। इन सब से वे अपने बालों के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि बाल लोगों के चेहरों को और खूबसूरत बनाती है और महिलाओं के लिए ये तो सबसे ज्यादा ही खूबसूरती प्रदान करती है, जिसे महिलाएं अपने बालों के प्रति ज्यादा चिंतित रहती हैं। टूटते और झड़ते बालों को लेकर लोगों में इतना डर बैठ जाता है कि वे महंगे से महंगे तेल और केमिकल का यूज अपने बालों की हिफाजत में करते हैं। अगर आप भी घने, लंबे और मुलायम बाल चाहते हैं तो आप अपने घरेलू उपाय करके भी अपने बाल को स्वस्थ, लंबे और घने रख सकते हैं। तो आज हम आपको घरेलू 21 उपाय बताएंगे जिससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। तो आइए जानते हैं बालों को स्वस्थ रखने के 21 घरेलू उपाय। पहला है, नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर लगाएं। दूसरा, अंडे में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर सिर में मालिश करें। तीसरा, प्याज को पीसकर उसका 2 चम्मच रस निकालें। इस रस से बालों की हल्के मालिश करें जिससे आपके बाल स्वस्थ हो जाएंगे। चौथा है, आंवले का मुरब्बा खाएं। चाहे तो कच्चा आंवला भी रोज खा सकते हैं। आंवलों के तेल की बालों में मालिश करें। पांचवा उपाय, एलोवेरा का सेवन करने से भी बालों को पोषण मिलता है और इससे बाल घने और मुलायम होते हैं। छठा, बालों में अरंडी के तेल से मालिश करें। यह टूटते बालों की रफ्तार को रोक देता है। सातवां, मेथी के दानों को रात भर के लिए भिंगो दें और सुबह इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं, फिर सिर को धो लें। आठवां उपाय, नारियल का दूध भी बालों में पोषण देता है। आप हफ्ते में 1 बार नारियल के दूध से बालों की मालिश करें। नौवां, आलू में विटामिन ए, बी और सी का भंडार होता है। इसके रस को बालों में आधा घंटा के लिए लगाएं, फिर धो लें। दसवां, जैतून के तेल से 3 दिन में 1 बार रात को बालों की मालिश करें। इससे बालों को हर तरह का पोषण मिलता है और बाल लंबे और मुलायम होते हैं। 11वां, नारियल और शीशम के तेल में गुड़हल के फूल का पेस्ट मिलाएं और 15 मिनट के लिए लगाकर सिर को धो लें। 12वां, मेहंदी भी बालों को पर्याप्त पोषण देती है। सप्ताह में 1 दिन सिर में मेहंदी लगाएं। ये बालों को कलरिंग भी देता है और मुलायम भी करती है। 13वां, मेहंदी में अंडा और चाय की पत्ती का पानी मिलाकर रात भर काली कढ़ाई में रखें और सुबह इसे सिर में लगाएं। 14, पकी हुई नाशपाती को मैश करके इसमें जैतून का तेल और केला मिलाएं और फिर सिर पर लेप करें। इससे सिर की त्वचा को भी पोषण मिलता है। 15वां, पंसारी की दुकान पर मिलने वाले पटसन के बीजों को रात भर पानी में भिंगोकर रखें। सुबह उन्हें उबाल लें और उस उबले हुए पानी से बने जेल को सिर पर लगाएं। 16वां, मुलायम और काले बालों के लिए सीका काई भिंगोकर रखें और उसे बालों में लगाएं। बाल काले और घने होंगे। 17वां, रीठा और आंवला भी बालों को पोषण देता है। इसका पेस्ट बनाकर बालों पर लगाएं, इससे बालों को पोषण मिलेगा। 18वां, तिल का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके तेल की मालिश बालों की जड़ों में करें, बाल घने हो जाएंगे। 19वां, सरसों के तेल को गर्म करके इसमें नारियल का तेल, तिल का तेल और अरंडी का तेल मिलाएं और इस तेल से सिर पर मालिश करें।
बालों के लिए हर तरह से फायदेमंद है यह तेल। 20वां, नारियल के तेल में एलोवेरा जेल मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं, इससे बाल भी लंबे होंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी। 21वां, अरंडी के तेल में विटामिन ई का कैप्सूल तोड़कर मिलाएं और उसे सिर पर लगाएं, ये बालों के लिए जरूरी पोषक की तरह काम करता है। तो आज हमने बाल को मजबूत करने के 21 उपाय बताए हैं जिससे आपके बाल घने, मुलायम और सेहतमंद होंगे, साथ ही बालों की झड़ने की समस्या दूर होगी। इन 21 उपायों में आप कोई भी एक उपाय का पालन करें। ध्यान रखें कि एक बार में सारे उपाय का उपयोग न करें, इससे बालों को हानि पहुंच सकती है। इसलिए आप बताए गए 21 नियमों में आप कोई भी एक नियम का सही से पालन करें और फिर कुछ दिन बाद ही देखिए कि इसका कितना फायदा होता है। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।